तो ये तैयारी वारी पूरी हो चुकी है, दुकान जो है लग चुकी है, जो भी कटिंग चॉपिंग होनी थी वो हो गई है, और अब हम तैयार हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने के लिए। और सवाल ये है कि रणवीर यार, ये अच्छी फिश करी कैसे बनाएं हम नॉर्थ इंडियंस, हैं नॉर्थ इंडियंस नहीं कोई भी इंडियन हो, अच्छी फिश करी की रेसिपी आने वाली है जी। नमस्कार, मैं रणवीर बरार, मिलते हैं उस पार। कॉलिंग एंड एक्शन। बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है। तैयारी जो मैंने करी है, आप एक काम करिए, अच्छे से म्यूज़िक के साथ उस तैयारी को देख लीजिए, क्या क्या मैंने काटा है, कितना कितना काटा है, ताकि आप एकदम तैयार होकर फिर उसके बाद काम शुरू करें, ठीक है जी। तो अगले 45 सेकंड तैयारी के नाम देख लीजिएगा ध्यान से। तैयारी आपने देख लीजिए। अभी मच्छी आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप मच्छी किसी भी फिश मॉन्गर के पास, जिससे भी आप मच्छी लेते हैं उसके पास जाके उसको बोल सकते हैं कि भैया मेरे को मच्छी चाहिए, वो दे देगा। मच्छी काटने की जरूरत नहीं है। अब ये जो फिश करी मैं बना रहा हूँ, ये है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, लेकिन ये इंस्पायर्ड है बंगाल से। मेरा बचपन जो है वो जिस मोहल्ले में गुजरा उसका नाम था बंगाली टोला, ठीक है। तो वहाँ पर 50 से 60 बंगाली परिवार थे और बीच में एक सरदार परिवार थे और वो हम थे, ठीक है। तो घर के बाहर मैं जब भी जाता था, सिर्फ मछली माछ भात, कहते हैं ना माछेर भातेर बंगाली, तो मेरे को माछ भात ही खाने को मिलता। तो जो फिर वो जो एक झोल का टेस्ट है ना, वो मेरी ज़ुबान पे ऐसा बैठा हुआ है कि मैं कहीं से भी फ़िश बनाऊँ, घूम फिर के वो बंगाली टोला इन्फ्लुएंस आ जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए अगर अच्छी फ़िश करी बनानी है तो सबसे पहले अच्छा सरसों का तेल ढूंढिए, ऐसा कि आप सूंघें तो एक बार एकदम झांझ, बोलते हैं ना जिसको, झांझ आ जाए। मछली को मैरिनेट करने के लिए नमक और हल्दी, देखिए जो सबसे, जैसा आप देख रहे हैं, जो छोटा मछली का पीस है वो मैंने मोटा काटा है, और जो बड़ा मछली का पीस है वो मैंने पतला काटा है, ताकि साथ में पके। और कोई भी फिश करी आपको बनानी है दुनिया की, चाहे आप गोवन बना रहे हैं कि बंगाली बना रहे हैं, कोई भी फिश करी बना रहे हैं, फिश को हमेशा अलग से फ्राई करना अच्छी आदत है, उससे मछली का टेक्स्चर मेंटेन होता है, फिश का जो फ्लेवर है वो बाहर आता है। अरे मछली कौन से यूज़ कर रहे हैं तो बता ही नहीं भाई। मछली जो है मीठे पानी की मछली है, रुई माछ, सॉरी रोहू, रोहू यूज़ कर रहे हैं। गैस कर देनी है फुल, मछली के ऊपर एकदम एक वो क्रस्ट आनी चाहिए, क्रिप्सी, क्रिप्सी क्रस्ट। फिश को फ्राई करके आप ये समझ लीजिए कि 70-80% ही पकाना है जी, उससे ज़्यादा नहीं पकाना। देखिए कोई भी मच्छी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको स्टाइल दिखा रहा हूँ वो स्पेसिफिकली मीठे पानी की मच्छी के लिए अच्छी है, फ्रेश वाटर फिश के लिए अच्छी है। रुई माछ, रोहू जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर सकते हैं, लेकिन रोहू में कांटे होते हैं और हर कोई जो है उन कांटों से डील नहीं कर पाता। तो अगर आप चाहें तो आप शोल, यानी कि सोल फिश जिसे हम बोलते हैं, रिवर सोल, वो यूज़ कर सकते हैं। रिवर सोल में कांटे भी कम होते हैं और टेक्स्चर भी उसका मखमली होता है। तो फॉर बिगिनर्स मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम तो अपनी मछली की जर्नी जो है वो रिवर सोल से, शोल मच्छी से शुरू कीजिए, ठीक है जी, सिंपल। अब ये जो तेल है ना, यही तो मोनोपोली है, तेल नहीं फेंकना, यही तो हमने सीखा है बंगाली टोला में रह के। तेल में है सारा फ्लेवर, और फ्लेवर पीने के लिए एक सब्जी है जो सारे फ्लेवर ऐसे खींच लेती है, और वो है आलू। इसलिए करो सफाई और तेल में डाल दो आलू, लेकिन यहाँ पर आलू का जो मेन इस्तेमाल है वो फ्लेवर अब्जॉर्प्शन के लिए। इमेजिन करिए कि तले हुए आलू जो कि मछली की खुशबू के साथ तले हुए हों, ओह नाइस। बस यही तेल का प्रोग्राम चलता रहेगा। आप देखो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है, ये जो सरसों के तेल का प्रोग्राम है रुकेगा नहीं, अब सारी जो डिश है वो इसी में बनेगी। तो जब आप स्मोक कर देते हैं उसको, तो उसका फ्लेवर जो है वो बेटर हो जाता है, और दूसरी चीज़ मेलो हो जाता है। तो इसलिए सरसों के तेल से दोस्ती करनी है ना, तो उसको स्मोक करके
और उसके बाद उसमें खाना बनाइए। अब इसमें लगाना जी तड़का, तेल रेडी है। तड़का उर्फ फोड़न, बघार, छोंक, ठीक है, टेम्परिंग, तो ये तेज पत्ता, ठीक है, ये थोड़ा पंजाबी टच है, ये कालो जीरे कलौंजी, ये थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, और इसमें डाला प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट जो है ऑप्शनल है, लेकिन बॉडी देगा, थिकनेस देगा, इसलिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ। हरी मिर्च और कलौंजी का कॉम्बिनेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने देखा जो मैंने अदरक काटा है वो मोटा काटा है, अदरक की नटीनेस नहीं चाहिए, उसकी ताजगी चाहिए, शार्पनेस चाहिए, ठीक है जी। अब डालने हैं आलू। आलू के साथ में लाल मिर्च रंग वाली। सब कुछ भून लिया अच्छे से, अब डालना है पानी। नमक, तेल जो ऐसे ऊपर आ रहा है ना, ये बड़ा ज़रूरी है जी। अब बेसिकली आलू के पकने का वेट करना है, बस उसी का वेट हो रहा है, तब तक ग्रेवी के अंदर जो मिर्च है और बाकी चीज़ें उनका फ्लेवर आ जाएगा। कहते हैं सबसे टेस्टी खाना जो है वो सबसे सिंपल होता है और सबसे मुश्किल भी होता है। द टेस्टीएस्ट फूड इज़ द सिंपलेस्ट टू मेक एंड येट द मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक, और ये उसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मुझे याद है हमारे बगल में पूरे मतलब सराउंडेड थे हम लोग, सामने बैनर्जी आंटी, बगल में चक्रवर्ती आंटी, पीछे सरकार आंटी, और मैं हर बार जाके मतलब आई यूज़ टू बी अमेज्ड कि वो कैसे लेती हैं ऐसे मच्छी ली और दो मिनट में पानी डाला डूला और एकदम झोल बन गया, और मतलब आप उसको राइस के साथ खाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे। और तब मुझे उस चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं था, तब क्या था, अरे बढ़िया है चलो आज इस दोस्त के यहाँ जाके खाना खाना है। अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार है क्या, चार चीज़ें हैं, इतना टेस्टी कैसे बना देते थे वो। खटास के लिए मैं डाल रहा हूँ टमाटर, ठीक है, ये ऑप्शनल है, बहुत लोग नहीं डालते। एंड नाउ द फिश। अब ये थोड़ा काम बिल्कुल डेलिकेट है, नाजुक है, प्लीज़ ये काम बड़े ध्यान से करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपने कबड्डी खेल दी तो मच्छी टूट जाएगी। आप बनाने जाएंगे एक बढ़िया सी फ़िश करी, बन जाएगा एक बढ़िया सा फिश का भरता, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, फिश का भरता नहीं बनाना, फिश करी बनानी है, इसलिए बी वेरी जेंटल, वेरी जेंटल। ढक्कन लगा दिया, गैस कर दी बंद। अभी क्या हो रहा है, फिश का जो फ्लेवर है वो धीरे धीरे लीच आउट हो रहा है ग्रेवी में, ग्रेवी का फ्लेवर धीरे धीरे फिश के अंदर जा रहा है। ग्रेवी बोलना थोड़ा ना इंसाफी होगी, झोल ग्रेवी थोड़ी थिक होती है, पतला है, थोड़ा थिक है, थोड़ा सा पंजाबी है तो उसके अंदर मैंने डाल दिया, बट अदरवाइज इससे ज़्यादा अगर आप कुछ भी डालेंगे तो फिश जैसे डेलिकेट टेस्ट को आप ओवर पावर कर देंगे, दैट्स व्हाट यू डोंट वांट। अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत लग रही है तो मे बी थोड़ा सा नींबू छिड़क दीजिए, राइट, आधा नींबू लीजिए, छिड़क दीजिए, और जैसे मैं घुमा रहा हूँ ना ऐसे ऐसे ताकि मच्छी ना टूटे, ऐसे ऐसे घुमा दीजिए ताकि बराबर से नींबू उसके अंदर मिक्स हो जाए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो टमाटर की खटास है वो भी बहुत है मेरे हिसाब से। टमाटर को आप जैसे पकाते जाते हैं वो मीठा होता जाता है, लेकिन हमने कच्चा टमाटर लास्ट में डाला है ना तो वो खटास देगा। सिंपल, ईजी, नो रॉकेट साइंस। अभी ये थोड़ी पंजाबियत झाड़नी होती है। मैंने बंगाली टोला में हम रहे, लेकिन पैदाइशी तो पंजाबी है ना, तो पंजाबियत आ जाती है फिर। ब्यूटिफुल, लुक एट दिस, वाह भाई वाह रणवीर। हेलो जी, लाइफ में और क्या चाहिए है, और की चाहिए, माछ भात और भातेर घूम,
यानी कि वो चावल ढेर सारे खाने के बाद जो नींद आती ना दोपहर में भातेर घूम बस वो एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल है। अब ये तो आने ही होते हैं ना जी, ये मेरा प्रिय मित्र धनिया। तो बेसिकली अगर इस फिश करी को मैं डिफाइन करूं तो एक पंजाबी लड़के का बंगाली बचपन एक डिश के अंदर रिफ्लेक्ट करके मैंने आपके सामने डाल दी। और जो भी पंजाबी ये कहते हैं या दिल्ली वाले ये कहते हैं कि यार हमें फिश करी बनानी नहीं आती, तो जी जो मैंने अपनी ज़िंदगी का सार सीखा है मछली खा खा के, वो आपके सामने आपकी स्टाइल में डाल दिया जी। पंजाबी दफे पंजाबी हुंदे, ठीक है जी कि नहीं? ठीक, मॉरल ऑफ द स्टोरी एक ही है, बहाने बंद, खाना बनाना शुरू। डू ट्राई द रेसिपी एंड प्लीज लेट मी नो हाउ इट केम आउट। अगर आपको ये फिश करी पसंद आई तो बहुत किस्म की फिश करीज बनती है हिंदुस्तान में, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा और किस्म की फिश करीज आपको दिखाने के लिए। आई विल बी एक्साइटेड एंड इनकरेज टू शो यू मोर फिश करीज। प्लीज लेट मी नो and please do subscribe. Thank you. I mean, thank you.